आज हम बनाने वाले हैं कद्दू दूध की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्थफुल, समर के लिए बहुत ही एनर्जेटिक रेसिपी है। डिहाइड्रेशन से भी बचा के रखेगा ये। ज़रूर आप एक बार बनाकर देखिए। ये सब इसमें डालने के इंग्रेडिएंट्स है, मैं डालते हुए बता दूंगी। अब हम इसका प्रोसेस शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फोर टीस्पून हम ऑयल डालेंगे। बघार के दाने, माश की दाल 1/2 टीस्पून, राई 1/2 टीस्पून, जीरा 1/2 टीस्पून, चना दाल भी 1/2 टीस्पून। एक बड़ी डली प्याज, 3 हरी मिर्च, 2 करेपा की ढालियाँ, ఉల్లిపాయ 3 పచ్చిమిరపకాయలు, 3 రెమ్మలు కరివేపాకు, हमारा प्याज थोड़ा गल गया है। अब हम इसमें कद्दू डालेंगे। हरी मिर्च मैं पहले भी आपको बताया था, अगर किसी को गैस प्रॉब्लम है, गैस ट्रबल है, तो इसकी जगह सूखी मिर्च डाल सकते हैं। अब ये कद्दू हम डालेंगे। इस रेसिपी के लिए कद्दू फ्रेश रहना चाहिए। कौला आनपकाय लेटगा उंडाली ఈ రెసిపీకి। ఇస్మే బస్ థోడీ హల్దీ 1/2 టీస్పూన్, ఎక్ 1/2 టీస్పూన్ నమక్, సాల్ట్ 1/2 టీస్పూన్, ఇందులో మనం 1 గ్లాస్ పాలు వేస్తున్నాం, 1 గ్లాస్ దూధ్ డాల్డే ఇస్మే। ఇస్కే ఇంగ్రీడియంట్స్ బస్ ఇత్నే హీ హై, దూధ్ మే హీ యే పక్నా చాహియే, పానీ నహీ డాలెంగే ఇస్మే। ఇందులో మనం వాటర్ వేయడం లేదు, ఒట్టి పాలలోనే వండుతున్నాము, చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది, पिल्लल की चाला मंचेरी, किड्स के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए। अब इसको अच्छे से पकने देंगे, अगर दूध कम है तो और थोड़ा डालेंगे इसमें बाद में। अच्छे से पक रहा है, बस वो 1 ग्लास दूध ही डाला था मैं, बीच में कुछ भी नहीं डाली। 1 ग्लास पाल सरपे मल्ली वेयलेदु, वाटर एमी अंदुलोने उड़काली पाललोने। कद्दू हमें कौला है तो एकदम अच्छे से पक जाएगा। मसालन बन गया है अच्छे से। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। हमारे लौकी का कद्दू का सालन बन गया है, दूध कद्दू का। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा रेसिपी है ये, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, धूप के लिए, एकदम कूल रहेगा और डिहाइड्रेशन से भी बचाएगा।
बहुत ही अच्छा है, एक बार ज़रूर बनाइए। मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।